जवाब दिया कंस ने, खत भेजा है। मैया सौदा कहने लगी, जिस दिन से हमारे लला ने जन्म लो है उस दिन से वो कंस हमारे पुत्र का पीछा नहीं छोड़ना है। आज मेरे भैया बाबा नंद वहां से चले गए और इधर भगवान कन्हैया और इन बड़े भैया बलराम गैया चरा करके आए। इधर भैया सदा आंगन में बैठी हैं, रो रही हैं बुरी तरीका से। भगवान कन्हैया बड़े भैया बलराम मैया सौदा के पास पहुंच गए आंगन में। भगवान कन्हैया मैया सौदा से कहने लगे, मैया सौदा मैया बैठी आंगन में। हेलो हेलो हेलो। भगवान कन्हैया कहने लगे, मैया हमें बड़ी तेज भूख लगी है माँ, मुझे रोटी दे दो, माखन दे दो मैया। लेकिन मैया सौदा ने जिस समय नहीं सुनी, सही बलराम आगे बढ़े और बोले, मैया क्या बोले बलराम, देखो कन्हैया कब से भोजन मांग रहा है माँ। एकदम से यशोदा मैया खड़ी होकर जा दिया, बेटा आ गए तुम लोग। हाँ, और इसी के बीच में 101 मुद्रिकाएं अजीत क्या लिखाई है रामापुर से और 501 रुपए दिनेश मंगली रूपपुर से, 100 रुपए देवराज निकारी से भगवान के जोड़े प्रदान करते, भगवान सुख शांति प्रदान करें। इधर कन्हैया कहने लगी, बेटा
सोई भगवान कन्हैया ने जैसे मैया सुधा की आंखों में आंसू देखे, भगवान कन्हैया आगे बढ़े, कहने लगे मैया तुम रो रही हो, तुम्हारी आंखों में आंसू, बात क्या है? यशोदा नहीं बोल पाई। सोई बलराम आगे बढ़े और कहने लगे मैया बता दे बात क्या है? जब आ गया बेटा, कंस ने खत भेजा है तुम्हें तो मालूम है, जिस दिन से कन्हैया ने जन्म लो कंस पीछा नहीं छोड़ रहा है। हाँ मेरे भैया, इतनी बात सुनी सो बलराम को क्रोध आ गया। बलराम कहने लगे भैया मेरे अंदर अब बलराम भैया कितनी ताकत है सुन भैया, यदि भैया मारे एक लात उनको साथ को सकूं ही जाएगा, मेरे एक तमाचे में वो रो करके कहने लगी। जब हम दिए पुत्र आज अंतिम दिन है, आज खाई लो मेरे हाथ से माखन मिश्री, कल का पता नहीं है? हाँ कल हम कहीं अंत होंगे, तुम कहीं अंत। सोई भगवान बोले तुम कैसी बातें कर रही हो मैया, हुआ क्या है आज? जब हम दिए बेटा, कंस ने खत भेजा है तुम्हारे बाबा के लिए और उसने ये लिखा है उसमें, दो छपरिया कमल के अगर फूल ना भेजवाए तब वो हमें सारी बरादरी के सहित मथुरा में जेल में बंद कर देगा। तुमने बात कही, भगवान कहने लगे मैया तू रोए ना, तू चिंता ना कर,
और एकदम से मैया यशोदा जो थी वहां से चली गई। भगवान कन्हैया बलराम के पास में गए, बोले बलराम भैया अब हम कंस को देखेंगे, उस काली नाग को भी देखेंगे। आज भगवान कन्हैया सभी अपने ग्वाल वालों को बुला रहे हैं। जवाब दिया दामा संकीर्ण मनन छदामी, सब आ जाओ भैया कहा तुम भैया पराठे खा ली पराठे तुम लंबी हमेशा क्या तकलीफ है भैया। आज कोई ऐसा गेम बनाओ और खेल खेलेंगे चले खेले चब्बा पहले मेरी बात सुनाओ। हाँ भैया गेट मेरी है देखो बहुत पुरानी। हाँ हाँ कितनी पुरानी है भाई? इतनी पुरानी है अगर तुम होते तो परेशान हो जाओ। कितनी पुरानी है बताए दे। मेरी गेंद देखो जिद पे घुस जाए भाई परे सही से। हाँ जिद पे घुस जाए मेरी गेंद भाई परे भाई पर। सुना मेरी बात। हाँ भैया क्या गेंद सदियों पुरानी है? सदियों पुरानी। हाँ सदियों पुरानी है। अब तुम्हें बता दे कितनी पुरानी है? कितनी पुरानी है? इतनी पुरानी है देखो बता कितने दे दीजा क्या हमारे नानी के नानी के नानी के नानी के नानी के नंसार की नानी के नानी के नंसार की। हाँ नंसार की ये तो बड़ी लंबी है। अरे बहुत लंबी पुरानी है। तुमने जाके देव के तुम जा ले जाओ। अच्छा खुए ना का भाऊ अरे भैया तेरी गेंद नहीं खोएगी अरे जब भाई खो जाए तो है तो पता लगे ऐसी खासियत है ऐसी खासियत क्या है क्योंकि जब पुरानी गेंद है नानी के ननसार की है अब उन्हें हमें दे दी जब मरिए हमें दे दी पहले मरिए बाद में देखे गई क्या। अच्छा हाँ अच्छा लगे फिराना। अब सुनो पहले जा बताओ खेले हो कहाँ चले? गेंद काली दे पे खेले चल के। अरे काली दे पे पामे कालिया नाम रहती है पासे दूर हटके खेलो कम से कम। कितनी दूर? ऐसे खेलो कम से कम दो चार लाठी दूर। तो काली देह के पास में खेलेंगे काली देह में नहीं खेलेंगे? चले भैया बोला है दामा कि मेरी मम्मी ने और गेंद बनाई है भगवान के चरणों में हमें 50 नगर कांसों में सम्मानित करती हूँ। भगवान सुख शांति प्रदान करे। जिसके हाथ से जा गेंद छुट जाएगी देखा जिसके हाथ में जा गेंद छुटिए पापा कम से कम 20 बैठके लगवाई जे तो नाग पगड़ी काम खाऊंगा। सही है भाई सुन लो पिंटुआ पिंटुआ सिंपुआ
सब सुन ले हो छुटी गई तो बापा 20 रुपए टका लगे ठीक है चलो पकड़ो 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 भाई क्या ले गए आप भैया कहां आप पकड़ो छुट्टी गया अरे यार मैं धोखा छुट गई भाई 20 बैठ गए लगाओ जो नियम तुम्हें नहीं लागू किया था अरे तुमने इस नियम को लागू किया था कि जिसके भी हाथ से नाक पकड़ लगा भैया तू लगा दी तुम अरे हम लगा जिसके हाथ से गेंद छूटेगी आपने ये नियम लागू किया था बातें 20 के बैठ गए लगवाई जाएगी वो भी नाक पकड़ के ठीक ठीक नाक पकड़ लगाए सब बात सही कोई बात है हमारे से चीटिंग करते हुए हैं अब धोखे फिरवा दी गए अब की हमारी सी गेंद पकड़े तो मुंह फूट जा कतई चलाओ गिराओ एक दो तीन चार के बाद छह कहां से आ गए बारह के बाद 15 कहां से आई 15 गई 12 अरे तुम्हारी गिनती भूल पाते हमारी गिनती भूल अच्छा 13 14 15 16 19 20 सोलह के बाद में फिर 19 एक गिनती तो दुख खा जाता है दो गिनतियां खा जाता है अच्छा एक रही दो है बची हुए पूरी हाँ आओ बैठ बैठो चलो पकड़ो ले भाई जागे ले पकड़ दामा पकड़ जल्दी आहा पकड़ ले भैया ले पकड़ भैया आज गेंद खेल ले कैसे गेंद खेल ले भैया अरे नंद बाबा को अरे छैया खेल गेंद कुमार पकड़ो एक दूसरे के दामा पकड़
ले भैया पकड़ के, दामा पकड़, बताइया पकड़, अंधवा पकड़, अंधवा पकड़, हदानी पकड़, मदा पकड़, अंधवा पकड़, ताली पकड़, भैया दामा, पकड़ संगी, पकड़, ले भैया एकदम से जैसे भगवान कन्हैया के पास में गेंद पहुंची है तो भगवान कन्हैया ने ऐसा टोल मारा है वो जाकर के यमुना में ताली दे जो गेंद गिरी यमुना में गेंद का भाई गेंद का भाई दादा अरे गेंद कन्हैया से पूछो जा पे अति है अरे भाई गेंद जो थी वो धोखे से खो गई है काली देव में चली गई काली देव में चली है हम क्या कर रहे थे कपड़ा फटा रहे का अरे भाई तुम अपनी गेंदे तो ले आओ तो प्राण ले हम प्राण ले ले गेंद ना मिली तो अब गेंद मिली है तो प्राण नहीं छोड़ साजे का ना हमारी बेई गेंद कही है लालवारी लालवाली अरे मेरा पिता मत छोड़ अब नहीं छोड़ेगा कन्हैया से दुश्मनी तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी दामों तुम्हें बहुत महंगी पड़े है सुना छोड़ दे मेरा पिता पर